गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे विल बी लर्न जीके स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर नंबर 12 आवर सेंस ऑर्गन्स। ओके स्टूडेंट, तो आज हम सेंस के बारे में देखेंगे। आवर बॉडी प्रोसेसेस 5 सेंस ऑर्गन्स। ओके, हमारे बॉडी में कितने सेंस होते हैं? 5। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ओके, तो ये जो है 5 सेंस, वो हमारे बॉडी के प्रोसेसिंग 5 ऑर्गन सेंस है। फर्स्ट जो है आई, तो वो क्या काम करता है? आई इज द ऑर्गन्स फॉर सीइंग। आईज जो होता है वो देखने के लिए हमारी मदद करता है। कुछ भी हमें देखना होता है तो हम किन की मदद से देखते हैं? आईज की मदद से। ईयर, ईयर इज द ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। हियरिंग यानी कि सुनना। हम कुछ भी, कोई भी बोलते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, मूवी देखते हैं, कोई भी बोलता है, हम किसी के साथ बातचीत करते तो हमें किन की मदद से सुनाई देता है? तो कि हमें ईयर की मदद से सुनाई देता है। फिर है नोज। नोज इज द ऑर्गन्स फॉर स्मेलिंग। नोज जो है उनकी मदद से हम क्या फील कर सकते हैं कि स्मेलिंग यानी कि कैसी बदबू आ रही है, या तो फिर अच्छी से स्मेल आ रही है, गुड स्मेल है या बैड स्मेल है, वो हमें किन की मदद से पता चलता है? नोज की मदद से पता चलता है। टंग, टंग इज द ऑर्गन्स फॉर टेस्टिंग। इट हेल्प टू स्पीक। टंग जो है, हमारी टंग जो है वो हमें टेस्टिंग के लिए मदद होती है। जैसे कि मम्मा कुछ खाना बनाती है, या तो हम कहीं पे भी बाहर खाना खाने जाते हैं तो कुछ भी हम टेस्ट करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स टेस्ट करते हैं, मिल्क या बटर मिल्क या कुछ भी खाना, सब्जी वगैरह कुछ भी ट्राई करते हैं, तो हमें पता चलता है ये खट्टा है या मीठा है या थोड़ा सा कड़वा है, कैसा है, वो हमें पता चलता है। और दूसरा हमें क्या मदद करता है कि हमें बोलने में भी मदद करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मुंह में टंग ही नहीं होगी तो हम कैसे बोल पाएंगे। ओके, जब भी हम बोलते तो हमारी टंग भी साथ में हिलती है, तो हमें बोलने के लिए भी टंग काफ़ी सारी हेल्प करती है। स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए भी टंग हमें हेल्पफुल होती है। ओके स्टूडेंट, तो टंग दो काम कर देगी, एक तो टेस्टिंग के लिए भी कि कैसा खाना बना है, कैसा है स्वाद में, ओके वो भी हमें मदद करते हैं, और हमें स्पीक जब करना होता है, हम जब भी बोलना होता है तभी भी हमें टंग की मदद चाहिए होती है। फिर फिफ्थ है स्किन। तो स्किन इज़ द सेंस ऑर्गन्स फॉर टचिंग एंड फीलिंग। स्किन या कि हमारी जो स्किन होती है वो हमें क्या मदद करती है कि हमें कोई भी टच करता है तो हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि किसी ने हमें छुआ है। कोई हमें ऐसे ही चुटता है तो हमें भी पता चल जाता है कि हमको किसी ने हमें चुटा है ऐसा। तो स्किन इज सेंस ऑर्गन्स फॉर टचिंग एंड फीलिंग। ओके, तो हमें उनसे फील होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे 5 ऑर्गन सेंस। अब हम उनकी देखेंगे एक्सरसाइज। राइट द करेक्ट सेंस ऑर्गन इन्स द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे 5 ब्लैंक्स दी गई, वो हमें फिल करनी है। फर्स्ट है आई सी विथ माई। आई सी यानी कि मैं किन से देख सकता हूँ, तो फर्स्ट आएगा मैं किन से देख सकता हूँ? आईज, ई वाई ई एस, आईज। फिर है सेकंड नंबर आई हियर विथ माइन। मैं किन से सुन सकता हूँ? ईयर यानी कि सुनना, तो ईयर की मदद से। फिर थर्ड आई स्मेल विथ माई नोज। मैं किन की मदद से सुन सकता हूँ? नोज की मदद से। फिर है 4 नंबर आई टेस्ट विथ माइन। मैं कुछ भी टेस्ट करता हूँ तो किन की मदद से टेस्ट कर सकता हूँ? टंग, टी ओ एन जी यू ई, टंग। फिर है 5 नंबर में आएगा आई फील विथ माइन। मैं किन से फील कर सकता हूँ? तो क्या आएगा? स्किन। ओके स्टूडेंट, तो ये 5 जो ब्लैंक्स है वो हमारे क्या है? अवर सेंस ऑर्गन्स। कौन सी? आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। ओके, और ये जो 5 ऑर्गन्स हो गए ही नहीं तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे कि आईज है तो हमारे पास आईज नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई देगा नहीं ना, वैसे ही ईयर्स, तो हमारे पास ईयर नहीं होगे तो हमें कुछ सुनाई भी नहीं देगा,
वैसे ही नोज, टंग और स्किन, मतलब हमें हमारी बॉडी में ये पूरे 5 जो सेंस है उनकी ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। ये ब्लैंक्स आपको अपनी ये जीके की बुक में कंप्लीट करनी है और साथ में ये स्पेलिंग भी लर्न करने हैं।